माय नेम इज शिवांश भसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, हम लोगों ने अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसपे हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस बाय कर सकते हो। एक्चुअल में ये कंसेप्ट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है एंड बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट भी अभी रिसेंटली इस बजट में हमें क्रिप्टो करेंसीज पे देखने को मिली है। और आई थिंक इट्स राइट टाइम कि हम लोग यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी एंटर करें एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रहे हैं ट्राई टू वेल दैट और उसका फायदा उठा सकें। सो डेफिनेटली गाइस, फायदा बहुत मिल रहा है। मैंने जनरली कुछ फंड ट्रांसफर करा था और मैं भी छोटे मोटे ट्रेड्स लेके कर रहा था। सो डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे, कौन से ब्रोकर सबसे बढ़िया है, कैसे आप उस पर डिपॉजिट कर सकते हो फंड, कैसे विड्रॉ कर सकते हो और कैसे ट्रेड कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको पता होगा तो पहली वीडियो मैंने ऑलरेडी इसी के ऊपर अपलोड कर दिया है जिसमें हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कैसे, कौन सा डेल्टा एक्सचेंज है, क्या प्लेटफॉर्म है वो, कहाँ पर उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या टर्मिनल शो करता है और कैसे हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं, सारी बातें करी थी उस प्रीवियस वीडियो पे। डोंट वरी, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आया था वहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों के पास, सर अब हमें एक लाइव ट्रेड करके बताइए, क्या अगर मुझे बिटकॉइन के अंदर ऑप्शन सेलिंग करनी है या मुझे बिटकॉइन का कॉल बाय करना है या फिर मैं इथेरियम का फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूंगा, आप एक लाइव ट्रेड लीजिए और हमें बताइए कि कैसे एनालाइज करें, कैसे ट्रेड लें एंड एवरीथिंग, और डिपॉजिट और विड्रॉवल क्या करें, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है। बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको मिनिमम फीस, मतलब नेग्लिजिबल फीस होगी और आप उसके थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हैं। चलते हैं अपने टर्मिनल पे एंड सारी बातें करते हैं उधारी। सो गाइज, हम लोग अपने डेल्टा एक्सचेंज के टर्मिनल पे आ चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस टर्मिनल के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप इन्वेल कर सकते हो। और अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन नीचे वाले लिंक पे अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाते हो तो जो भी ट्रेडिंग फीस जाती है ना इसके अंदर, उस पर आपको 6 महीने तक 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। सो आई थिंक वो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑफर है, उसको इन्वेल आप जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डिपॉजिट एंड विड्रॉ करें कैसे। तो हमें पता चल गया था अपनी प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर हमें एंटर कैसे करना है। जैसे ही टर्मिनल हमें दिखता है आप ऊपर टॉप पे देख सकते हैं आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर अभी आप लोग रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको पता चल जाएगा कि $20 to $25 की फीस लगती है सिर्फ डिपॉजिट करने में USDT को। टेदर को अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो हम लोगों को 20-25 का फीस देनी पड़ती है। बट अगर हम लोग बिटकॉइन इथेरियम डिपॉजिट करते हैं तो हमारा जो फी होता है डिपॉजिट करने का वो ज्यादा हो जाता है। अब हम कैसे 1500-2500 रुपए की ट्रेडिंग डिपॉजिटिंग की फी दे सकते हैं। सो डोंट वरी गाइस, XRP के थ्रू हम लोग नेग्लिजिबल मतलब आप मान के चलो 50 रुपए हो सकता है या 100 रुपए मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं। सो अगर आप जैसे ही यहां पर आएंगे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूं, पीछे जाए आप टॉप पे देख सकते हैं आपको डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, सीधा उस पर क्लिक करिए, आपके पास आ जाएगा कि आप कौन से कॉइंस पे डिपॉजिट लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, USDT, डीटो, इथेरियम, XRP, BNS, SOL, ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में बहुत क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर क्या मैं इंडियन रुपीज में यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। नहीं गाइज, यहाँ पर आप इंडियन रुपीज के थ्रू नहीं बट दूसरे ब्रोकर्स के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने पास्ट में अपने वॉल्ट एक ट्रेडिंग टर्मिनल है उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वहां पर ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो वहां पर बाय कर सकते हो INR के थ्रू, USDT बाय कर सकते हो, बिटकॉइन बाय कर सकते हो, XRP बाय कर सकते हो एंड उस कॉइन को आप डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर करके यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस और सारी चीजों को अवेल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर यार मुझे तो INR वाले ही ट्रेडिंग वैसे चाहिए, बट डोंट वरी गाइस, इट्स वेरी सिंपल और ये बहुत इजी होता है, बहुत मिनट्स पे, विद इन फ्यू सेकंड्स हम लोग अपना काम इस पे डिपॉजिट कर लेते हैं, खत्म होता है। सो लेट मी शो यू, यहाँ पर BTC, USDT, जनरली ज्यादातर लोग USDT पे ही डिपॉजिट करना प्रेफर करते हैं। यहाँ पर अगर आप USDT पे डिपॉजिट करते हो तो ऑटोमेटिकली हमें माना जाता है कि अगर आप इथेरियम के थ्रू कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कुछ 25 USDT एक्स्ट्रा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल्ट या बाइनेंस के थ्रू या कोई भी ट्रेडिंग एक्सचेंज के थ्रू अगर आप ट्रांसफर करते हो अपने कोई भी कॉइन्स को इधर, तो वहां पर नेटवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप USDT ट्रांसफर करना चाहते हो आपके वॉल्ट प्लेटफॉर्म पे है या बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे है, आप जैसे ही ट्रांसफर करोगे वो आपसे सिलेक्ट करेगा नेटवर्क कौन सा सिलेक्ट करना है, इथेरियम ERC20, BEP20।
अगर आप इथेरियम का नेटवर्क चूज करते हो तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये आपको 2500 रुपये के आसपास की ट्रांजेक्शन की कॉस्ट दिखा सकता है। BEP20 करते हो तो ये थोड़ा और कम है, 1000 के आसपास, 500 के आसपास, 1500 के आसपास आपका काम हो जाता है। बट अगर आप सीधा डायरेक्ट XRP पे आते हो, तो XRP पे आते ही जैसे आपने वॉक, फॉर एग्जांपल बाइनेंस पे XRP बाय कर लिया, आपने वॉल्ट पे या कोई भी वजीर एक्स पे, कहीं पर भी आपका पुराना अकाउंट है, आपने बाय कर लिया XRP, जैसे ही आप XRP को सेंड करोगे इधर, मतलब यहां आप डिपॉजिट लोगे, जो फीस होगी वो बिल्कुल नेक्स्ट टू निग्लिजिबल होगी। सो हम एक बार चेक करते हैं, आप यहाँ पे XRP पे अगर हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड इट्स गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन दिस वेरी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, मेरे पास वॉल्ट है तो मैं वॉल्ट पे जाता हूँ, एंड वॉल्ट पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप सीधा INR पे डिपॉजिट करके वॉलेट पे जाके XRP बाय कर सकते हैं। आपने XRP बाय करी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप XRP देख रहे हैं, आपको क्या करना है, आप सीधे सीधे XRP को क्लिक करना है। आप जैसे ही XRP को क्लिक करेंगे, डिपॉजिट, सेंड और लोन, आपको सेंड करना है XRP। तो आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा कितने XRP। मैं चाहता हूँ कि मैंने 1000 रुपये के XRP ले रखे हैं, तो मैं पूरी क्वांटिटी जितने मेरे पास हैं मैं उतने डिपॉजिट करना चाहूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5000 रुपये के XRP खरीदे थे, मेरे पास 100 XRP है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रिसीवर एड्रेस और टैग, आप देख रहे हैं रिसीवर एड्रेस और टैग आपसे पूछ रहा है। आप सीधा जाएंगे डेल्टा एक्सचेंज में, जैसे ही आप डेल्टा एक्सचेंज में जाएंगे, यहाँ पर आपको डिपॉजिट एड्रेस दिख रहा है, सीधा डायरेक्ट इसे कॉपी करिए, और आप ऐसे कॉपी बिल्कुल मत करिएगा, आपको सिंपल यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, इसे कॉपी करिए इजीली। इसके बाद वर्ड में जाइए, एड्रेस अपना सीधा पेस्ट कर दीजिए, आफ्टर दैट आपको सिंपल यहाँ पर टैग दिख रहा है मेमो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। सो आपको सिंपल इसे भी कॉपी करना है, एंड आपको यहां पर जाके इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, XRP के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखेंगे नेटवर्क फीस, आप देख रहे हैं नेटवर्क फीस इज 0.6 XRP, 0.6 XRP। अभी आपको पता है XRP कितने पे ट्रेड कर रहा है, लेट मी शो यू। यहां पर अगर हम लोग XRP इधर देखते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये चल रहा होगा आपके हिसाब से 50 रुपीज के आसपास। हम अप्रोक्स इंडियन करेंसी में लेकर चलते हैं कि 50 रुपीज के आसपास होगा, और उसमें कह रहा है कि वो 1% भी उसका चार्ज नहीं करेगा। हम बोल रहे हैं आप 50 रुपए ले लो, बट वो उतना भी नहीं ले रहा, वो 5 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए आपसे लेगा। सो आई थिंक सबसे बढ़िया फायदा है अगर आप XRP पे पहले कॉइन बाय करो NIR के थ्रू, एंड आप XRP को डिपॉजिट करो डेल्टा एक्सचेंज पे। चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं, एंड उस एग्जांपल में क्या देखते हैं, फॉर एग्जांपल USDT। USDT का हम लोगों ने ERC20 सिलेक्ट करा। अब आप यहां देख रहे होंगे, अब आपको मेमो या टैग नहीं दिख रहा होगा, वो इंपॉर्टेंट है XRP के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं चाहता हूं कि मैं USDT को डिपॉजिट करना। ओके, सो हम यहां पर सेंड में गए, मैंने यहां पर डाल दिया अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैं 1000 USDT को करना चाहूंगा, एंड मेरा एड्रेस क्या है, सीधे से डायरेक्टली कॉपी करिए, यहां पर आइए एंड सिंपल आपको पेस्ट कर देना है, एंड सेव एड्रेस। अब आप यहां पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि आपको कितना USD पे करना है, 15 USD आपको पे करना है, यानी कि अगर 10 USD है तो वो 750 है, आप मान के चलो 1100-1200 रुपए का आपको यहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और इथेरियम बिटकॉइन में तो और ज्यादा है। सो आई थिंक ये बहुत बढ़िया इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है XRP का सेक्शन, और डेफिनेटली अगर आप इसके थ्रू करते हैं तो मिनिमल फीस या नेग्लिजिबल फीस के साथ आप डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए अब आपने डिपॉजिट कर लिया, जैसे ही आपने डिपॉजिट करा, अब यहाँ पर बात आती है सर अब ट्रेड कैसे करें, कैसे बाय करें, क्या सिस्टम है। तो आप जैसे ही अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आएंगे डेल्टा एक्सचेंज के, वहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एंड बहुत सारे और भी इसके अंदर फैसिलिटीज है जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं फ्यूचर बाय करना, उसके बाद ऑप्शन बाइंग भी करेंगे एंड ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें हटा देते हैं, सारे इंडिकेटर्स हटा देते हैं, एंड आई थिंक मैं अगर बाय करना चाहूंगा तो मैं इंजन कॉइन, एक इंजन कॉइन बाय कर सकता। सो वट आई विल डू, इंजन USDT आपको दिख रहा है, ENJUSDT, हम इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके के फ्यूचर्स होते हैं, परपेचुअल स्वैप और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के बेसिस पे। सो उसकी आपको पूरी जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, एंड वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, सो मैं जब ये पर्टिकुलर क्रिप्टो को देख रहा हूँ, तो आई फील कि मैं शायद यहाँ पर, या फिर मैं अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ,
तो मैं यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली प्रेफर करने की कोशिश करूंगा। एक बड़ी मोमेंटम आई है, आफ्टर दैट अब कंसोलिडेट कर रहा है, सो आई थिंक मैं यहां पर एक बाइंग मोमेंटम ले सकता हूं। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आप जैसे ही इथेरियम इंजन यूएसडीटी पे आएंगे, आपको ये टर्मिनल दिख गया बाय का, आप यहां देख सकते हैं मेरा अवेलेबल बैलेंस कितना है। मेरा अभी लिमिटेड अवेलेबल बैलेंस है 763 USDT, मतलब ऑलमोस्ट 60-70 हजार रुपए के आसपास मैंने अपना डिपॉजिट करा हुआ है। मतलब मैंने अराउंड 50 हजार रुपए डिपॉजिट करा था 625 USDT, और छोटे मोटे मैंने ट्रेड्स लिए होंगे एंड मेरा $100 बन गया था। सो मैं जनरली ट्रेड प्रेफर नहीं करता, मैं करता ही नहीं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस इसके अंदर आया, सो डेफिनेटली आई हैव टू टेस्ट, और मेरे को वो एक्सपीरियंस लेना था जो आई थिंक आप लोग भी ले सकते। चलिए, मैं चाहता हूं मैं मार्केट ऑर्डर में बाय करना चाहूंगा, एंड अगर आप आइसोलेटेड पे देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप मैक्स मार्जिन जो लेवरेज यूज कर सकते हो दैट शुड बी अराउंड 20 टाइम्स का। तो मैं चाहता हूं मैं 10 टाइम्स का लेवरेज लूंगा, एंड ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स देख रहे हो तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि एक लॉट पे आपको कितने इंजन कॉइन मिलेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं लॉट साइज इक्वल्स टू 1 इंजन कॉइन, मतलब अगर आप एक लॉट बाय करते हैं तो आपको एक इंजन कॉइन मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मैं 100 इंजन कॉइन बाय करना चाहूंगा। जैसे मैं 100 इंजन कॉइन बाय करता हूं, मतलब 100 इंजन कॉइन, एक इंजन कॉइन चल रहा होगा 150 रुपए में, ठीक है, तो मैं मानकर चल सकता हूं 15 हजार रुपए, 15 हजार रुपए लगेंगे हम लोगों को बाय करने के लिए। यहां पे आप देख रहे हो कितना मार्जिन दिखा रहा है, ओनली 20 USDT, 19.32 अप्रोक्स 20 USDT मान के चल। 20 USDT को अगर हम लोग इंडियन रुपीस में सोचो, यानी कि 1500 रुपए के अंदर, सिर्फ 1500 रुपए के अंदर आप 15,000 का माल ले सकते हैं, एंड यहां पे 10 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है, दैट मीन्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि मेरे को 10 टाइम्स भी नहीं, मैं 3 टाइम्स भी लेना चाहूंगा, आप 3 टाइम्स ले लीजिए, आप 5 टाइम्स ले लीजिए, बस वही है मार्जिन थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा, ठीक है। सो क्या करते हैं, मैं 5 टाइम्स का लेता हूं, एंड मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर 100 भी नहीं, मैं यहां पे 500, लेट्स से लेट्स गो विद, चलिए 300, 300 क्वांटिटीज में बाय करना चाहता हूं। सो व्हाट आई विल डू, मैं अपना यहाँ पर टारगेट सेट करूंगा, मेरे को लगता है यार इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके नीचे गया तो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं 1.9060 का मैं अपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, 1.9060 का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, एंड मैं टारगेट चाहता हूँ मेरा जो प्रीवियस स्विंग हाई है दैट इज 1.99 का, ठीक है। अब मैं यहां पर इसे बाय कर लेता हूं, मैंने जैसे ही इस पे बाय पे क्लिक करा, मैंने यहां पर लिख दिया मुझे शो मत करना ये चीज, वरना आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस करा आपके पास ऑटोमेटिकली आ गया, आप अपने टारगेट को और स्टॉप लॉस को यहीं पर ही सेट कर सकते हो अपने बाय प्राइस, देख रहे हो चार्ट के अंदर ही आपको पूरा सेटअप दिख जाता है और बहुत ईजिली होता है उसको चेक करना। नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको पूरा दिखा दिया कि अभी आपको अनरियलाइज्ड लॉस हो रहा है, आपने किस प्राइस पे बाय करा, आपकी क्या क्वांटिटी है, यहाँ पे अपना आप टारगेट और स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और डायरेक्टली यहाँ पर क्लोज पोजीशन पे आप जाएंगे तो अपनी पोजीशन को क्लोज भी कर सकते हो। जैसे मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगा और मैं कंफर्म कर दूंगा, मेरी ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन क्रॉस हो जाएगी। चलिए अभी हम क्रॉस करते नहीं है। अब बात आ रही है शिवांश, आपने बता दिया फ्यूचर्स में ट्रेड, हमने पहले चीज क्या सीखी, डिपॉजिट कैसे करते हैं, चीपेस्ट वे क्या है डिपॉजिट करने, कर लिया फंड ऐड कर लिया, फंड ऐड कर लिया। अब याद रखना अगर आपको इंजन यूएसडीटी पे ट्रेड करना है दैट मींस आपने कॉइन जो यहां पर शिफ्ट करा है वो आपने शिफ्ट करा है एक्सआरपी, तो पहले आपको डेटा एक्सचेंज में एक्सआरपी से यूएसडीटी कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके कोई ज्यादा चार्जेस नहीं जाते हैं। तो आप जैसे ही एक्सआरपी को यूएसडीटी पे कन्वर्ट करोगे तो वहीं पर ही आप फिर इन सारे फ्यूचर्स एंड सारे ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शंस पे, ऑप्शंस पे आपको वैरायटीज ज्यादा नहीं मिलती हैं, बट जो मिलती हैं वो प्रीमियम कॉइन्स होते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, बाइनेंस, एक्सआरपी, सोल, लिंक, एवेक्स, मैटिक, इन पे आप अपने ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एक्सआरपी पसंद आ रहा है एंड आई थिंक मैं एक्सआरपी, चलिए ट्राई करते हैं। बिटकॉइन क्या मोमेंटम कर रहा है, बिटकॉइन को अगर हम लोग चेक करें, ठीक है, हमने देखा यार बिटकॉइन अभी कंसोलिडेट कर रहा है, एक्सआरपी क्या कर रहा है, एक्सआरबी भी अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और सोल को अगर हम लोग चेक कर रहे हैं आई थिंक एक सोल मोमेंटम की तैयारी कर सकता है बट नॉट राइट नाउ। इसके अलावा ज्यादातर जो मैं स्टॉक्स देख रहा हूँ ज्यादातर स्टॉक्स इस तरीके से साइडवेज चल रहे हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
सो कौन सा ऑप्शन बाय करें, कौन सा ऑप्शन बाय करिए? चलिए एवेक्स बाय करते हैं, मुझे लगता है एक बड़ी मूवमेंट देने के बाद कंसोलिडेट करा, फाइनली अप मूव यहां पर ये दिखा सकता है। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहां पर जाऊंगा एवेक्स पे आऊंगा, यहां पर अब आपको ऑप्शन चेंज दिख गई। जैसे ही आपको ऑप्शन चेंज दिखती है आपको ऊपर इंडेक्स प्राइस दिख गया कि अभी 78 रुपीज पे ये चल रहा है, ठीक है, और आपको यहां पर एक्सपायरी डेट दिख जाएगी। अब खासियत बात क्या है कि अगर आपको लगता है आपका 24 घंटे के अंदर आ जाएगा तो आप अभी अगले दिन की एक्सपायरी ले सकते हो, उसमें वीकली मंथली वाला सिस्टम ही है। एक दिन बाद की भी एक्सपायरी है, एक साल बाद की भी एक्सपायरी है, 6 महीने बाद की भी एक्सपायरी है, 30 दिन बाद की भी एक्सपायरी, और ऐसा भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हम परपेचुअल स्वैप कहते हैं जिसकी कोई एक्सपायरी ही नहीं है, ठीक है, वो चलते ही रहेगा वो फ्यूचर। बहुत अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक यू शुड ट्राई, लिंक पे जाके अकाउंट अपना जरूर ओपन करवाइएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं अभी 5th of February जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एंड मैं चाहता हूं मैं 11th of February के लिए एवेक्स को लॉन्ग करना चाहता हूं। सो व्हाट आई कैन डू, अभी 78 रुपीज का अगर इंडेक्स प्राइस चल रहा है तो मैं 80 रुपीज का कॉल ऑप्शन बाय करना प्रेफर करूंगा। सो व्हाट आई विल डू, यहां पर कॉल साइड है, ये पुट साइड है, ये जो मार्क प्राइस देख रहे हैं, ये जो मार्क प्राइस है ये हमारा LTP होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इस पर हम लोग अपना ट्रेड लेते हैं। सो चलिए 80 रुपीज का प्राइस चल रहा है 3.89, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली यहां पर आपको शो कर जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। हम यहां पर जाते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे को बाय करना है फॉर एग्जांपल 82 लॉट। मैं अगर एक लॉट का कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा एक लॉट बाय करते हैं तो आपको एक एवेक्स मिलता है, ठीक है। तो व्हाट आई डू, मैंने ऑटोमेटिकली 82 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर लिए, ठीक है, तो मेरे पास 82 एवेक्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पर अपना टारगेट, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप इसके खुद के चार्ट्स को भी ओपन करके चल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप इसके खुद के चार्ट्स ओपन कर लेते हो एंड आप सारी चीजें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं लेट्स से 20 लॉट्स, मैं चाहता हूँ कि मैं 20 लॉट्स बाय करूंगा इथेरियम के कॉल ऑप्शन। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ चेक करा, ओहो आई थिंक ये एक बड़ा मोमेंटम ऑन एंड अपसाइड दिखा सकता है, ठीक है, सो हम इसका कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आएगा एंड मैं यहाँ पर बाय कर, जैसे ही मैंने बाय करा आप यहां देख सकते हैं एवेक्स इंजन कॉइन आ गया, यहां पर रियलाइज प्रॉफिट रियलाइज लॉस आपको शो कर रहा है। चलिए अब चाहता हूं कि मेरे को लगता है कि यार BNB या फिर XOL, लेट्स सी सोल ले लेते हैं। सोल मेरे को लगता है कि यार एक फॉल कर सकता है, यानी कि चलिए एक बार सोल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा सोल, आई थिंक जो सोल है वो इस लेवल, ये जो आप बॉटम देख रहे हैं 110 रुपीज का, 110 रुपीज के नीचे आई थिंक ये जाएगा नहीं, उसी के ऊपर ये रुकते रहेगा या सस्टेन करते रहेगा। सो व्हाट आई विल डू, नीचे का ये जो आप देख रहे हैं यहाँ का मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकता हूँ। सो एक बार आते हैं यहाँ का 110 का, हम पहले स्ट्राइक, हमने ऑप्शन एक्सपायरी डेट 11 फिफ्थ कर लिया है, 110 का पुट चल रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 4.78, ठीक है, मार्क प्राइस। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर शॉर्ट कर सकता हूँ, शॉर्ट करूंगा ऑलमोस्ट मैं 10 लॉट। जैसे ही मैं 10 लॉट को शॉर्ट करता हूं आप देख सकते हैं आपको कितना मार्जिन देना पड़ रहा है, 229। अगर आपको लगता है ज्यादा है तो आप सिंपल 25 टाइम्स भी जा सकते हैं, ऑटोमेटिकली मार्जिन रिड्यूस होकर $45 आ गया एंड आप $45 के अंदर 10 लॉट सोल के शॉर्ट कर सकते हो, विच इज वेल इनफ। चलिए मैं नहीं चाहता, मैं 5 लेवरेज ही चाहता हूं एंड 5 लेवरेज पे मैंने एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे मैंने शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करा आप यहां चेक कर सकते हैं सोल आ गया, एवेक्स आ गया, इंजन कॉइन हम लोगों ने बाय कर रखा है। सो आप यहां पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं जो लेवरेज हमें चाहिए अपने अकॉर्डिंगली, अपने सेफ्टी के अकॉर्डिंगली, एंड यहां पर हम लोग ट्रेड करके चल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और ऑफर्स भी, मतलब ऑफर्स हो गए, इसके अलावा स्ट्रैटेजीज, ये खुद भी अगर आप नहीं कर सकते तो इनके पास 2 टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज है, रोबो स्ट्रैटेजीज, यील्ड स्ट्रैटेजीज। अगर हम लोग चेक करते हैं, चलिए रोबो स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं एक एडवांस वीडियोस और लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल टॉप 20 मोमेंटम वाले हैं, यहाँ पर आप ऑलमोस्ट 508 सब्सक्राइबर्स और 54% का रिटर्न है, और अगर हम देखें ऑन अ वीकली बेसिस तो वीकली बेसिस ये आपको रिटर्न दिखा सकता है, मंथली बेसिस आपको रिटर्न दिखा सकता है, एंड आप जाके चेक भी कर सकते हो कि ये क्या प्रोवाइड करवा रहा है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आप खुद इन स्ट्रैटेजीज पे अपना इन्वेस्ट कर सकते हो अमाउंट, और आई थिंक ये आपको फायदा दे सकता है। इसके अलावा यील्ड स्ट्रैटेजीज भी हैं, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो इसी के ऊपर आने वाली है। फिर हम ये भी ट्राई करेंगे कि हमें फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर अगर एंटर नहीं करना, क्योंकि आई थिंक ये सबसे बड़ा ऑप्शन है,
इस पे हम लोग बहुत चीजें अचीव कर सकते हैं, बट अगर हमें नहीं करना, हम स्पॉट पे एक बार ट्राई करना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, तो स्पॉट पे सिंपल कैसे बाय कर सकते हैं, जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रख ले विदाउट एनी लेवरेज विदाउट एनी मार्जिन, ये हम सारी चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा दो में लॉस चल रहा है, एक में प्रॉफिट चल रहा है। कोई बात नहीं, आपको समझाना था तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो हम झेल लेंगे उसे भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप सिंपल अपना यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को, किसी को शेयर करना चाहो तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हो। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको एफोर्डेबल आराम से मिल जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा कितना रिटर्न हुआ, ये आप अपने ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप, अपने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं कि दैट आई एम अर्निंग दिस मच परसेंटेज ऑन दिस इथेरियम और दिस एंड दैट, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वाली वीडियो, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर हाउ टू विड्रॉ, कैसे विड्रॉ करें। सिंपल स्टेप, आपने डिपॉजिट कैसे करा, आपने बोला ये एक ब्रोकर है वॉल्ट, वॉल्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वॉल्ट है, आपने वॉल्ट में XRP बाय करी, आपने वहां पर सेंड में गए और आपने यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करा, सिंपल उल्टा कर दो। यहां पर अब आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे और वहां पर आप बाय पे क्लिक करोगे, लेट मी शो यू, ठीक है। आप सिंपल आए वॉल्ट पे, ओके, आप जैसे ही वॉल्ट के अंदर आएंगे आप सिंपल वॉलेट पे गए, वॉलेट पे आने के बाद आपको अब क्या है, आपके पास USDT है, पहले आप USDT को कन्वर्ट करोगे डेल्टा एक्सचेंज में XRP पे, ठीक है। XRP पे जब आपने कन्वर्ट कर लिया, अब उसके बाद आप यहां पर आओगे, यहां पर आपको XRP पे क्लिक करना है, वॉल्ट पे आना है, क्योंकि आपको यहां पर ही तो डिपॉजिट करोगे, तभी तो आप INR पे कन्वर्ट कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे आप आओगे, हम पहले कर रहे थे डिपॉजिट के लिए सेंड, जब हमें डेल्टा एक्सचेंज में डिपॉजिट करना था तब हम सेंड कर रहे थे, बट अब हमें डिपॉजिट चाहिए, हमें यहां पर चाहिए, तो हम विड्रॉ डिपॉजिट का ऑप्शन लेंगे। हम अभी क्या कर रहे थे, डेल्टा एक्सचेंज में जब डिपॉजिट कर रहे थे तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल कर रहे थे, तो यहां पर एड्रेस आ रहा था, ये कॉपी हम लोग वॉल्ट में कर रहे थे, बट अब वॉल्ट में जो एड्रेस और टैग आ रहा है ये कॉपी करके हम लोग विड्रॉवल वाले पे जाएंगे। लेट्स कम टू विड्रॉ, मैं चाहता हूं, मैं विड्रॉ करना चाहता हूं XRP। अब यहां पर एड्रेस आ गया, मेमो आ गया, कितना विड्रॉ करना चाहते हो, आई एम सबमिट विड्रॉवल रिक्वेस्ट कर दो, और बहुत ईजिली आपका आराम से विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, डेफिनेटली गाइस इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप लोग नीचे जाएं एंड लिंक को ओपन करवाएं। यस, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल में लोगों को लगता होगा इट्स हेक्टिक, बट आई थिंक इट्स सुपर फन, और यहां पर आप बहुत अच्छे से ट्रेड करके कुछ अपने टाइम्स को, अगर सिस्टमैटिक वे में काम करो, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, तो आप डेफिनेटली कुछ अमाउंट अच्छा अर्न कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, हैव अ वेरी गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जिसपे कुछ रोबो स्ट्रैटेजीज, यील्ड स्ट्रैटेजीज प्लस और एक्स्ट्रा लाइव ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे विद प्रॉपर चार्ट एनालिसिस। अब याद रखिएगा, यहाँ पर भी पूरा चार्ट सिस्टम पे आप इसे जूम कर सकते हैं एंड आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इस पे आप सेटिंग्स चेंज करके इसको और कितना बेहतर बना सकते हो और हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, और सारी चीजें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय।